नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में है जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों आपको परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलते हैं प्रश्नों की ओर। दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? दोस्तों इसका आंसर है माल्टोज। इसके बाद अगला प्रश्न है, डायलिसिस क्रिया शरीर के किस अंग में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है गुर्दा यानी कि किडनी। इसके बाद अगला प्रश्न, सहकारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिलता है? दोस्तों इसका आंसर है दूध से मिलता है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पृथ्वी पर सबसे अधिक वनस्पति के किस क्षेत्र में होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है समुद्री शैवालों में। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके अभाव में कम हो जाती है? तो इसका आंसर है जल के अभाव में कम हो जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन की दर को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर है नैनोमीटर। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है, क्या है? तो इसका आंसर है प्रकाश का अवशोषण। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर है अल्ट्रासाउंड का। इसके बाद अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। इसके बाद अगला प्रश्न, रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों सेरीकल्चर। इसके बाद अगला प्रश्न, मानव रक्त में प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों इसका आंसर है 90%। 90% मानव के रक्त में पानी की मात्रा होती है, बाकी की प्लाज्मा। इसके बाद अगला प्रश्न है, पोलियो किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है विषाणु के कारण यानी वायरस के। इसके बाद अगला प्रश्न, पोलियो विषाणु कितने प्रकार के होते हैं? तो याद होते हैं दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं, P1, P2 और P3। इसके बाद अगला प्रश्न है, पेसमेकर का क्या कार्य है? तो इसका आंसर दोस्तों दिल की धड़कन प्रारंभ करना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाइपरटेंशन शब्द किससे संबंधित है? इसका आंसर दोस्तों रक्तचाप से। इसके बाद अगला प्रश्न, मानव के कुल रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है? दोस्तों प्लाज्मा की मात्रा होती है 55%। और अभी मैंने बताया था प्लाज्मा में और रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है 55% और प्लाज्मा में पानी की मात्रा होती है दोस्तों 90%, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, हृदय रोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों कार्डियोलॉजी। इसके बाद अगला प्रश्न, जठर रस का pH मान क्या होता है? तो इसका आंसर दोस्तों 1.5 pH। इसके बाद अगला प्रश्न, विटामिन सी कौन सा नाम से जाना जाता है? विटामिन सी का और दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों एक्स कार्बिक अम्ल को जाना जाता है विटामिन सी से के नाम से। इसके बाद अगला प्रश्न, भोजन में विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों मछली, अंडा व दूध, जो
विटामिन डी देते हैं शरीर के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किसके माध्यम से जाता है? तो इसका आंसर है डीएनए के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होती है या सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर दोस्तों लाल रंग में। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन होता है के ई और डी, या फिर डी ई ए के, ये तीनों विटामिन है जो कि वसा में घुल जाते हैं, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा का संचयन कहाँ होता है? तो इसका आंसर दोस्तों एडिपोज और तक में। इसके बाद अगला प्रश्न है, चाय और कॉफी में कौन से सक्रिय घटक होते हैं? कौन से सक्रिय घटक होते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों कैफीन होती है कॉफी और चाय में। इसके बाद अगला प्रश्न है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर दोस्तों एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रक्तचाप की क्रिया सबसे अधिक कहाँ होती है? दोस्तों इसका आंसर है निलय में। इसके बाद अगला प्रश्न है, समुद्री शैवाल में क्या पाया जाता है? समुद्री शैवाल में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों आयोडीन, नमक पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कैंसर बीमारी के उपचार के लिए कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर है रेडॉन गैस। इसके बाद अगला प्रश्न, वर्णाधरा वाले आदमी को कौन सा रंग हरा दिखाई देता है? तो दोस्तों इसका आंसर है लाल रंग। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग दिखाई देता है वर्णाधरा वाले आदमी को। इसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन, यानी O2। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है? श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर दोस्तों रेस्पिरोमीटर, रेस्पिरोमीटर। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? तो इसका आंसर दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों माइटोकांड्रिया को, माइटोकांड्रिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? दोस्तों इस हार्मोन्स का नाम है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फल पकाने वाला हार्मोन्स को क्या कहते हैं? फल पकाने वाला हार्मोन्स को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों जिबरेलिन, जिबरेलिन कहते हैं फल पकाने वाले हार्मोन्स को। इसके बाद अगला प्रश्न है, पत्तियों की हरापन किस तत्व की कमी से होता है? पत्तियों की हरापन किस तत्व की कमी से होता है? तो इसका आंसर दोस्तों मैग्नीज की कमी से। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पौधे के बायवीन भाग से जल का निष्कासन कहलाता है? पौधे के बायवीन भाग से जल का निष्कासन कहलाता है बाष्पोत्सर्जन। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होती है? सबसे कम किस रंग में होती है? तो इसका आंसर दोस्तों हरे रंग में। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना प्रथम स्तर यौगिक ग्लूकोज रात में किस चीज में परिवर्तन हो जाता है? किस चीज में परिवर्तन हो जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों
फ्रुक्टोस में। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र क्या है? क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र दोस्तों ये दिया हुआ है, पहला है C55H12O5 या N4Mg, दूसरा है C55A17OCN4Mg। दोस्तों चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला प्रश्न है, एस्कॉर्बिक एसिड सबसे अधिक किस चीज में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है आमला में पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध दोस्तों मछली से। इसके बाद अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों बेंजोइक अम्ल का। इसके बाद अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है या फैलता है? तो इसका आंसर दोस्तों मादा एनोफ्रेलीस के काटने से। इसके बाद अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? दोस्तों यह थैली है, गैली नहीं, थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो इसका नाम है दोस्तों लाइसोसोम को। इसके बाद अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर दोस्तों कार्ल लैंड स्टीमर ने की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर दोस्तों हिप्नोलॉजी शाखा है जिसमें नींद का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।